Day after the suspension of Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury. Now, in the latest, the Congress party has come out all in support of Adhir inside Parliament, but the Speaker has made it clear that it shall not be discussed. Adhir Ranjan Chowdhury was suspended for unruly conduct and causing repeated disturbances during the debate on the no confidence motion. Remember, Adhir will remain suspended till the Privileges Committee takes a decision. This effectively means that there is no timeline for his reinstatement. The suspension motion or movement was brought in Parliament by Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi. Reacting to his suspension, Adhir Ranjan Chowdhury said he did not mean to disrespect anyone. He also added that the Prime Minister has been nirav, which means silent, on the Manipur issue. बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या मतलब? मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद थी नहीं। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेके विपक्ष इस वक्त सरकार पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है ये। जो करेगा वो भरेगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने दल की राजनीति से बाहर निकलिए, देश के तिरंगे के मान सम्मान के लिए आगे बढ़िए। इसका दावा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री पे हमला बोला अधीर रंजन चौधरी ने, इसलिए एक्शन लिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने बोलने का समय भी नहीं दिया था। अगर उनको इतने शक्तिशाली नेता वो लगते थे तो पश्चिम बंगाल में की बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के समय वो 21 लोगों के डेलीगेशन को पश्चिम बंगाल क्यों नहीं लेके गए? अगर वो इतने शक्तिशाली नेता थे तो राजस्थान में हो रहे बेटियों के साथ अत्याचार पे क्यों नहीं लेके गए? वो तो एक ऐसे रूप में लाकर अधीर जी को खड़ा कर दिया कि उनको दल का नेता तो बनाया है, समय बोलने का नहीं दिया है। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस ने उनकी कितनी बेइज्जती की है। ये तो भला हुआ अमित भाई का और स्पीकर महोदय का जिन्होंने समय अधीर रंजन चौधरी जी को अपने में से दिया। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ये इनका हैबिट बन गया है। और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। कांग्रेस का एक आदत है पार्लियामेंट को अपमान करो, देश को अपमान करो। अधीर रंजन जी कल बहुत गलत बात किया। किसके साथ किसको कंपेयर करते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? देश का 140 क्रोस लोग देख रहे थे, क्या कहना चाहते थे वो? देश के ऊपर तो ऐसा भाजपा के ऊपर गलत इल्जाम नहीं है, सरकारों के ऊपर नहीं है, ये पार्लियामेंट को अपमान करने का कोशिश कर रहे। हमारे अधीरदा तो अधीरदा है, इसलिए बीच बीच में उछल उछल कर लूट जाते हैं। तो इसके कारण स्पीकर साहब ने अभी एक ही दिन बचा है इसके लिए उनको निलंबित किया है। लेकिन उन जैसे सीनियर सांसद के लिए सही नहीं है ये आचरण, सही नहीं है और उनको सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप शायद सीख जाएंगे। चौधरी को निलंबित किया गया है, आप उस वक्त थे, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विपक्ष कल नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब प्रधानमंत्री जी का सुन नहीं पाया। हमने उनके सारे भाषण सुने, 3 दिनों से सुन रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी जब अपनी बात कह रहे थे तो वो वॉकआउट कर गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट का जो अधिकार है वोटर को देना चाहिए, उसका प्रयोग भी उन्होंने नहीं किया। राइट टू रिप्लाई।